अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियां दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रायते की रेसिपी। घर में आप रायता बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। अक्सर बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, आप ये वाला रायता बनाएं, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होकर खाएंगे और आपको फरमाइश करेंगे कि यह रायता दोबारा बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए इसको बनाना शुरू करें। दही का रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैंने दही के लिए हैं। इसको मैं ये देखें, इस तरह से आपने भी गाढ़ा सा अच्छा वाला दही लेना है। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून नमक का डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून नमक का। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, तेज़ नमक खाते हैं, तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं। मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक का डाला है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 अदद टमाटर, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। 1 अदद टमाटर इसके अंदर डाल देना है। 1 अदद खीरा लेना है, खीरे को भी बारीक बारीक सा काट लेना है, लंबाई में काट ले। मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा लंबाई में काटा है। इस तरह से आप भी इसको जैसे आप काटना चाहते हैं, इसकी कटिंग करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसकी कटिंग कर ले। 1 अदद गाजर ली है, गाजर को भी जैसे मैंने खीरा लंबा लंबा सा काटा है, इस तरह से ये देखें, इस तरह से ही मैंने 1 अदद गाजर है ये मैंने काट ली है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आलू लिए हैं, आलू मैंने 2 अदद लिए हैं। 2 अदद आलू लेके इसको मैं क्यूब्स में काट लूँगी। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, आलूओं को बॉईल करके इसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसको मैं क्यूब्स में काट लूँगी। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। प्याज मैंने लिया है, प्याज के मैं आधा प्याज, बड़े वाला मैंने प्याज लिया है, आधा प्याज मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहे तो आप एक प्याज भी डाल सकती हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर मैं डाल दूंगी, बारीक बारीक सा काट के धनिया भी इसमें डाल देना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून धनिया के डाल दिए हैं। 1 अदद मैं हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लूंगी, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आपने ज़्यादा डालनी है तो आप 2 हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। मैंने 1 अदद हरी मिर्ची ली है, वो मैं इसके अंदर बारीक बारीक सी इस तरह से काट के डाल दूंगी। हरी मिर्च और धनिया मैंने डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये रायता बहुत मज़े का बनता है। आप घर में बनाएं इसको, रोटी के साथ या चावलों के साथ बनाकर आप खाएं, बहुत मज़े का यह रायता बनता है। जी व्यूअर्स, रायता तैयार हो चुका है। आप इस तरह से रायता घर में बनाएं, बनाकर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, ठंडा करके फिर आप इसको खाएं, बहुत मज़े का यह रायता लगता है। इसको आप तड़के वाले चावल बनाएं, उसके साथ भी आप खाएं, अच्छा लगता है। जी व्यूअर्स, थोड़े से टाइम में कितनी जल्दी रायता तैयार हो जाता है, ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।